यस मैम। आपके पास भी अपने मोबाइल हैं? सबके पास मोबाइल है? सबके पास मोबाइल है। जीएस राव सर से नहीं पूछा, चलिए कोई बात नहीं, तो सबके पास अपने मोबाइल रहते हैं। क्या एक घंटा आज की लाइफ में आप अपने मोबाइल से दूर रह सकते हो? दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, जब तक ऑफिस का रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ठीक है, तो आज की लाइफ ऐसी हो गई है कि जनरली हमें, हमारा हाथ मोबाइल पे जाता है। सुबह उठते ही कई लोगों को मोबाइल चाहिए, ठीक है, रात को सोने से पहले भी मोबाइल के साथ सो रहे हैं। मोबाइल क्या है आपका? राहु। और राहु को कौन सा अंक दिखाता है? नंबर 4। ठीक है, तो आपकी पूरी लाइफ पे किसने ग्रहण लगा के रखा हुआ है? मोबाइल ने। टीवी को तो हमने बोल दिया इडियट बॉक्स, बट व्हाट अबाउट मोबाइल? फिर अगर हमारे पास मोबाइल हमेशा रहता है, आदत तो हम उसमें देखते रहते हैं कुछ ना कुछ, जो हमारे काम का, आधे से ज्यादा चीज हमारे काम की नहीं रहती है, बट कुछ ऐसी चीजें रहती है जो हमारे काम की होती है, ठीक है, काम के लिए यूज करना है, अच्छी बात है, बट इस राहु ने हमें किससे दूर कर दिया? जुपिटर से। जुपिटर क्या है? जुपिटर और मरकरी से दूर कर दिया। क्या है जुपिटर और मरकरी? आज हमें कुछ चीज ढूंढनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, सीधे मोबाइल निकाल लेते हैं अपना, ना तो विजडम यूज करते हैं ना इंटेलेक्ट यूज करते हैं। तो राहु का इफेक्ट कहाँ पे हो गया? हमारे माइंड पे हो गया, और इसी राहु ने हमारे जुपिटर को भी खत्म कर दिया और हमारी मरकरी, हमारी इंटेलेक्ट को भी खत्म कर दिया। और साथ साथ में और क्या हो गया, कभी ऐसी ऐसी चीजें भी हम लोग देख लेते हैं जो हमारी टाइम काम की नहीं होती है, टाइम का वेस्ट होता है, ठीक है, आंखों में असर पड़ रहा है, तो सूर्य भी खराब हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? कई बार ऐसा होता है कि लंबे रात तक हम मोबाइल देखते रहते हैं और हमारा, फिर लेट सुबह उठते हैं, हमारा डाइजेशन भी खराब हो रहा है, वो भी सूर्य दिखा रहा है। तो देखो, एक मोबाइल की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। आप एक कपड़ा भी खरीदने जाते हो ना, तो देखते हो मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, इसका डीप नेक हो गया, इसका ये प्रॉब्लम है, इसकी स्लीव्स में ये प्रॉब्लम है, ये कलर मुझे सूट नहीं करता है, ठीक है, इसके कॉलर बड़े हो गए, इसका कलर कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं है। कपड़े को कितनी बार हम लोग पहनते हैं, ठीक है, कितनी बार पहनते हैं एक कपड़े, एक ही कपड़े को एक हफ्ते तक कोई पहनता है? बिल्कुल भी नहीं पहनता कोई भी, जब तक वो उसकी यूनिफॉर्म में नहीं आता। यूनिफॉर्म भी आजकल बच्चों की चेंज होती है कि हाँ इस दिन स्पोर्ट्स डे रखा जाता है। तो सिमिलरली आपका मोबाइल का नंबर बहुत ही ज्यादा आपने चूज करके लेना चाहिए, जैसे आप अपने कपड़ों को लेते हो, जैसे आप अपने घर को चूज करते हो कि हाँ मुझे ये चीज यहाँ पे चाहिए, अपने घर के लिए वास्तु बनाते हो, बाहर के लिए भी, एक्टिविटी के लिए भी, कि एक्टिविटी सेंटर कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे टॉयलेट रखना चाहिए, कहाँ पे रहना चाहिए, वैसे आपके मोबाइल में हर नंबर आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। किसी के मोबाइल नंबर से उसकी जन्म कुंडली निकाल सकते हो, ठीक है, किसी के मोबाइल नंबर से ही आप उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल सकते हो। तो मोबाइल नंबर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी व्यक्ति की लाइफ में, आपकी लाइफ में, जैसे विक्रम जी ने कहा कि अच्छे और बुरे इवेंट लाइफ में, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, ठीक है, ये सारे इवेंट किससे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, आपका भाग्य, आपका सौभाग्य जिसे कहेंगे, और आपका दुर्भाग्य, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मोबाइल नंबर चुनने जा रहे हो। कुछ लोग कहेंगे कि क्या है, हम तो अभी तक इस नंबर के साथ में जी लिए, ठीक है, तो देखो डेस्टिनी भी होती है, आपका लक भी होता है, बट कुछ आपकी फ्री विल भी होती है, तो आप अपनी फ्री विल का अच्छे से चयन करके, अच्छे से अपने घर का वास्तु करके, अच्छे से न्यूमरोलॉजी करके, ठीक है, अच्छे से उन चीजों की रेमेडी करके अपने भाग्य को बदल सकते हो। तो अब जब हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी, तो न्यूमरोलॉजी में हमारे पास सबसे ज्यादा रहने वाला है हमारा मोबाइल, और मोबाइल में भी हमारा क्या रहता है, नंबर जो सबसे ज्यादा यूज होता है। हम एड्रेस में भी यही देते हैं, हम अपने अकाउंट में भी यही यूज करते हैं, ठीक है, हर जगह पे हमारा नंबर बटा हुआ है, इसी नंबर, यही नंबर हमारे आज रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखा हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, आप अपने पेरेंट्स से अलग रहते हो, तो आप अपने पेरेंट्स को किसी से कम्युनिकेट करते हो, आपके पेरेंट्स भी आपको इसी से कम्युनिकेट करते हैं। कोई भी कहते हैं घर वास्तु जिसने भी करा हुआ है, मेन डोर बड़ा अच्छा बनाओ, मेन डोर आपके किस्मत का दरवाजा है, सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स इस मेन डोर से आएंगी, बट सारी अच्छी न्यूज, जैसे करुणा ने कहा गुड न्यूज, सारी गुड न्यूज, बैड न्यूज आपको किससे मिल रही है, आपके मोबाइल से मिल रही है। तो इसीलिए ये अंक, ये मोबाइल नंबर
आपकी सफलता की कुंजी बन सकता है अगर ये आपके साथ में सिंक्रोनाइज है प्रॉपर तरीके से। अचानक से आपके भाग्य में भी परिवर्तन ला सकता है यदि आपने उस नंबर को सिंक्रोनाइज किया। अब किसके साथ सिंक्रोनाइज करेंगे? न्यूमरोलॉजी में क्या है, तीन इंपॉर्टेंट नंबर हैं। कौन से हैं वो तीन इंपॉर्टेंट नंबर, आप बताएंगे या मैं बताऊं? वो तीन लाइफ इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर हम नंबर, कब, लाइफ पार्ट नंबर, डेस्टिनी नंबर, हाँ डेस्टिनी नंबर, लाइफ पार्ट आपका नंबर, लाइफ पाथ नंबर। चलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, हम इसको बहुत सिंपल बोलेंगे, मूलांक और भाग्यांक और आपका नेम नंबर। ठीक है, ये तीन नंबर के अकॉर्डिंग हम उसको सिंक्रनाइज करेंगे। मैंने एक और रूल, व्हाट इज हाँ डिस्ट्रिक्ट नंबर हिंदी में कॉल्ड मैडम? डेस्टिनी नंबर को नाम का आप क्या नंबर बोला बोलोगे? ना। हाँ नेम नंबर बोल दो इसे, नाम का ओके अंक बोल दो, नामानुसार अंक बोल दो आप इसे। ठीक है, और ओके ये एक ऐसा भी नंबर हो गया भाग्य का अंक कि ये क्यों बोला जाता है ना, इस नंबर को डेस्टिनी मतलब इस नंबर के साथ ही आप चेंजेस कर सकते हो, अपने नेम को ही बदल सकते हो ना, अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर सकते। तो एक तरह से इस नंबर को अगर चेंज करोगे तो आपकी डेस्टिनी में परिवर्तन आ जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि मूलांक भी चेंज नहीं कर सकते, भाग्यांक भी चेंज नहीं कर सकते, बस अब यही नंबर मिला हुआ जिसे हम चेंज कर सकते हैं, प्रीविल। हमारा नेम नंबर। ठीक है, तो अभी यहां पर हम इन तीनों चीजों को, इन नंबर्स को, इन तीनों नंबर को जो न्यूमरोलॉजी में, अंक ज्योतिष में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अपने मोबाइल नंबर से सिंक्रोनाइज करेंगे। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज करने से पहले इन तीन में से भी, ठीक है, दो नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उसमें से आई थिंक आलिकिया को छोड़ के ऑल आर अबव 35 एंड अबव ही होंगे, 35 तो होंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो 35 सपोज मैं अपनी ही एज की बात करूं तो मेरी एज अभी 35 है, तो मेरी एज के अकॉर्डिंग, मेरे लिए मूलांक के अकॉर्डिंग मैच ना भी कर रहा हो बट मेरे भाग्यांक, मेरे डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है, ठीक है, और मेरे नेम नंबर के अकॉर्डिंग मेरा मोबाइल नंबर मैच करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 35 एंड अबव के बाद आपके जीवन में जो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत ज्यादा लाइफ के इवेंट्स होते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं? आपके लाइफ पार्ट भाग्यांक पे, नंबर, आपके लाइफ पाथ नंबर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसी अंक ज्योतिष का सहारा लेके आप क्या करोगे, अपने मूलांक के अकॉर्डिंग, अपने भाग्यांक के अकॉर्डिंग, अपने मोबाइल नंबर को सेट करके अपनी किस्मत को चमकाओगे। तो अभी यहाँ पे यही सारी बातें मैंने इस स्लाइड में लिखी हुई है, स्लाइड में की हुई है कि इट इज बिलीव दैट द नंबर्स इन अवर लाइव्स इंक्लूडिंग अवर मोबाइल नंबर हैव वाइब्रेशन एंड एनर्जीज दैट कैन इन्फ्लुएंस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ इंक्लूडिंग अवर पर्सनैलिटी लक एंड डेस्टिनी। ठीक है, तो उस नंबर का, उस मोबाइल नंबर का टोटल जो आता है उसका तो असर हमारे साथ में पड़ता ही पड़ता है, साथ साथ में उस जो मोबाइल नंबर 10 डिजिट का हमारा बना हुआ है उसमें जो भी नंबर यूज हो रहे हैं उनका भी हमारी लाइफ में असर पड़ता है। ठीक है, ये बहुत ही गहरी बात मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे अधिकतर लोग क्या करते हैं, मोबाइल का टोटल ले लेते हैं और कहते हैं कि इस टोटल नंबर के वो सबके साथ में सिंक्रोनाइज करो, आपकी कहानी खत्म होगी। बट व्हाट अबाउट दोज नंबर्स जो आप ऐसे देखो, जैसे किसी का मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है तो वो सारे 10 डिजिट उसे मिले हुए हैं ना, यस मैम, उसमें दैट्स सबसे व्हाट माय प्रभाव, डाउट गॉट क्लियर। हाँ ठीक है, तो वो सारे नंबर्स उसको मिले हुए हैं तो हर एक नंबर का असर पड़ेगा। अब उसको और क्या मिला हुआ है, जैसे सीमा जी ने पूछा कि माई सन इज इन ऑस्ट्रेलिया, उसका 6-1 था, सीमा जी 6-1 था ना वहां का कोड, ठीक है, तो यस मैम, वैसी वैसी इंडिया का क्या कोड है, 9-1 है, तो ये क्या हो गया, एक यूनिवर्सल नंबर हो गया। तो यूनिवर्सल नंबर को जैसे हमने हाउस नंबर के उस पर स्टडी किया था उतना असर यूनिवर्सल नंबर का नहीं रहता है क्योंकि उसकी एनर्जी स्कैटर्ड हो गई है। ठीक है, तो उतना असर उसके ऊपर अब आपके नंबर्स का नहीं रहेगा। एक वॉइस आप डायरेक्ट आपके साउंड में आपके कान पे पड़ रही है और एक वॉइस हर जगह पे पड़ रही है तो दोनों में असर पड़ रहा है। ठीक है, जैसे एक सिटी पे बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती, बहुत ज्यादा पानी का फ्लो हो जाता है तो वो असर डिफरेंट होता है और सब जगह एक इक्वल वे में रेन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो असर अलग होता है। तो हम कभी भी कंट्री कोड को नहीं लेंगे, यही फॉर्मूला हम हर जगह पे यूज करेंगे, चाहे हम कार का नंबर ले रहे हैं, चाहे हम होम नंबर ले रहे हैं, तो यूनिवर्सल नंबर अवॉइड किया, नहीं टोटल में टोटल भी में भी नहीं। नहीं, लेना ही नहीं है, ओ यू नीड टू अवॉइड इट। ठीक है,
और यहाँ पे कहने का मतलब है कि देखो मोबाइल नंबर कितना पावरफुल बन जाता है जब उसके आपको 10 नंबर्स मिले हुए हैं, ठीक है। और कैसे मिले हुए हैं, जैसे मुझे सीमा जी का मोबाइल डायल करना है तो मैं क्या एक नंबर को आगे पीछे कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। अगर मैंने एक नंबर को उनके आगे पीछे कर दिया तो क्या हो जाएगा, कहीं और कॉल लग जाएगी। मैम हियर, ठीक है, अब ये नंबर है, हाँ मैं एक मिनट से कंप्लीट करती हूँ। अब ये नंबर है, क्या मैं इसमें डिजिट को आगे पीछे कर सकती हूँ? ये 69 की जगह पे 96 लिखूं तो क्या इस व्यक्ति को कॉल जाएगी जिस व्यक्ति का ये नंबर है? नहीं जाएगी ना, ये किसी और को कॉल लग जाएगी। तो क्या फिर नंबर, ये जो नंबर्स आए हुए हैं वो मैटर नहीं करते? मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो हम ये पूरी स्टडी करेंगे कि आपके मोबाइल में कोई भी नंबर क्या बताता है आपके बारे में, और आज की फर्स्ट क्लास में ये स्टडी करेंगे जनरल रूल, फिर हम स्टडी करेंगे मेन रूल, कौन से नंबर अवॉइड करने चाहिए इन जनरल, और कुछ केस स्टडी और असाइनमेंट करेंगे। ये सेकेंड क्लास में करेंगे कि पूरे नंबर से हम किसी के बारे में कैसे प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। ओके मैम, हियर लाइक कंट्री कोड, फर्स्ट 5 डिजिट्स ऑफ अ मोबाइल नंबर इज अ सीरीज नंबर दैट इज कॉमन टू सो मेनी पीपल, द लास्ट 5 डिजिट्स ओनली वी कैन चूज। आएंगे 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 उस बात पे भी आएंगे, ये भी मैंने लिखा हुआ है पॉइंट। करुणा का कहना था, मैं यहीं पर ही क्लियर कर देती हूँ आपको। करुणा देखो, आप देखो 9 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, आई थिंक कुछ नंबर जियो वाले किससे स्टार्ट होते हैं? 8 हाँ, 9182। हाँ, तो देखो 9 बहुत सारे नंबर में कॉमन होगा, हम में से अगर हम सबके मोबाइल नंबर्स भी देख लें तो कॉमन होगा ना, कौन कौन से नंबर हमारे कॉमन है, ये हम सबके मोबाइल नंबर हैं। क्लास में जितने भी लोग हैं उनके मोबाइल नंबर है, किसी का 4 से स्टार्ट हो रहा है, किसी का 9 से स्टार्ट हो रहा है और किसी का 6 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस देखो अभी जो 9 है, 9 तो इतना कॉमन हो गया है, अब इस वाले नंबर्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे पास में नहीं पड़ने वाला है। जो स्टार्टिंग के नंबर्स है ना, ठीक है, उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो हम कौन सा नंबर उठाएंगे, हमारा जो लाइफ में मेजर नंबर हो जाएगा वो हमारा 3rd नंबर हो जाएगा, या कुछ लोगों के केस में वो 2nd नंबर भी हम ले सकते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग का नंबर है वो बहुत सारे लोगों के साथ में कॉमन हो जाएगा, तो इतना असर इस नंबर का हमारा नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहले आप सब समझ लेते हैं, अपनी क्वेरी को होल्ड कीजिए, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं कहाँ पे पढ़ा रही थी आपको। Okay. तो सारी क्वेरीज लास्ट में ले लेंगे, जल्दी से खत्म करते हैं ऐसे फर्स्ट क्लास का, जितने भी रूल्स पढ़ लेते हैं हम। देखो रूल्स है, सबसे पहले अवॉइड नंबर रिपीटेशन। तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर में किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं करना है, बहुत ज्यादा रिपीटेशन नहीं करना है किसी भी नंबर का, ठीक है, ये क्लियर है आपको। और सबसे कम रिपीटेशन किसका करेंगे, या उन नंबर्स को ना भी लें तो भी ये चलेगा आपको, 4 नंबर, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 7, और साथ में आपका 0। 0 के बारे में मैंने बताया था कि मोबाइल में हम और कहीं पर भी चाहे 0 का कम से कम हम यूज करेंगे। 0 ऑब्स्टिकल्स देता है, हमें हिडन एनिमीज भी देता है, और हमारे जो मेन नंबर है उसकी पावर को भी कम कर देता है। तो हम नंबर का रिपीटेशन नहीं करेंगे और कुछ नंबर्स को अवॉइड करेंगे, 4870 कम से कम इन नंबर का हम अपने मोबाइल नंबर में यूज करेंगे। क्लियर हो गया नंबर का रिपीटेशन नहीं करना चाहिए, ये भी क्लियर हो गया। एग्जांपल के लिए किसी व्यक्ति के अगर आप नंबर 9 का रिपीटेशन कर दो मोबाइल में, ठीक है, तो क्या होगा उसे, किसी व्यक्ति के मोबाइल में, हाँ, तो 9 से रिलेटेड एक्टिविटीज में नेगेटिव एक्टिविटीज उसकी ज्यादा रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगी, एग्रेसिव हो जाएगा वो व्यक्ति, ठीक है। तो इसलिए 9 के रिपीटेशन को कम से कम रखना है। किसी के उसमें 6 का रिपीटेशन बढ़ा देते हो तो वो क्या हो जाएगा, ओवर पजेसिव हो जाएगा अपनी फैमिली के लिए, कहते हैं ना बहुत ही ज्यादा फसी हो जाएगा अपनी फैमिली के लिए, कहेंगे कि इसके साथ में रहना टॉक्सिक लगता है, हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहो, ये करो, इतनी बंदिशें लगा देता, इतना ओवर पजेसिव हो जाता वो चीजों को लेके, इतना डर में रहता है अपनी फैमिलीज को लेके। जब हमारी मोबाइल नंबर में 6 का रिपीटेशन, वही 2 का रिपीटेशन, किसी के मोबाइल में 2 का रिपीटेशन क्या बना देगा, आपने सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा है, टू मच इमोशनल बना देगा, सेंसिटिव बना देगा, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए इसका डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे, बट
इन जनरल किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं करना है. मोबाइल नंबर टोटल कंपैटिबिलिटी विथ मूलांक एंड भाग्यांक एंड नेम नंबर, यहाँ पर आपका एमबीडी मेथड आ गया है सेम जो हमने मैरिज के टाइमिंग निकालते वक्त किया था कि किसी व्यक्ति के लिए कौन सा मैरिज का ईयर होगा और कौन से टाइम पे उसकी शादी हो जाएगी, ठीक है, कौन से पार्टनर उसके लिए कंपैटिबल होंगे. तो एमबीडी मेथड को हमेशा यूज कीजिए मोबाइल नंबर में. हम तीन मेजर नंबर लेंगे न्यूमरोलॉजी के, वो है हमारा मूलांक और हमारा भाग्यांक और हमारा नेम नंबर. इसके साथ हम सिंक्रोनाइज करेंगे इस फर्स्ट क्लास में टोटल हमारे मोबाइल नंबर का. थर्ड रूल क्या कहता है, अवॉइड कार्मिक नंबर. जैसे सीमा जी ने बहुत अच्छा लिखा था 13 नंबर के बारे में, किसी ने पढ़ा? Yes, हाँ yes, पढ़ा तो बताओ. खाली यस कहने से नहीं होता, यस करके फंस गए. क्या लिखा था देख के बताओ, क्या लिखा था उन्होंने 13 नंबर के बारे में? तो कार्मिक डेट का नंबर है. कार्मिक डेट का नंबर है. और क्या लिखा था? राहु क्वालिटी, राहु की क्वालिटी. और पढ़ के बताओ, कोई बुरा नहीं है, पढ़ लोगे इसी बहाने. और उन्होंने सबसे बड़ी बात लिखी थी, कभी भी कार्मिक डेप्ट वाले नंबर की लाइफ देखो, इनस्टेबल रहेगी. स्टेबल रहेगी नहीं उनकी लाइफ, ठीक है, फोकस की कमी, ये सारे कार्मिक नंबर वालों के साथ में प्रॉब्लम है. 13, 14, 16, 19 ये कार्मिक नंबर नहीं लेने हैं. ये अगर देखो किसी के मोबाइल नंबर में 16 आ जाता है तो क्या हो जाएगा, कमिटमेंट इशू हो जाएंगे ऐसे बंदे को, ठीक है. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं या लव रिलेशनशिप में धोखा मिलेगा, दिल टूटेगा और डिप्रेशन में भी जा सकता है. दोनों कंडीशंस हो सकती हैं. अवॉइड नंबर फोर रूल क्या है, अवॉइड एंटी नंबर्स. जितने भी एंटी नंबर्स आपके मोबाइल में आएंगे आपने अवॉइड करने हैं. अब आपके मोबाइल में बैठे हुए पैसेंजर्स, आपके मोबाइल लाइक 9816352, ठीक है, ये आपका मोबाइल नंबर है. तो इसमें देखो ध्यान से, इसको देखो, इसमें क्या हुआ है, आपको एंटी नंबर्स दिखाई दे रहा है. हाँ, थ्री और सिक्स एंटी नंबर दिखाई दे रहे हैं. और देखो 1 and 8 52 1 and 8 52. वेरी गुड. तो सारे एंटी नंबर्स इसमें भरे हुए हैं, वो भी कैसे भरे हुए हैं, साथ में बैठे हुए हैं. दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम जो है एंटी नंबर्स को आगे पीछे करके ना डालें. बट इतना मोबाइल तो बन नहीं सकता है, बट हम क्या करें, एटलीस्ट एंटी नंबर को साथ में तो ना बैठाएं. जैसे इस नंबर में कहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, जीएस राव सर आपको समझ में आ रहा है ना? यस मैडम. 8 और 1, ठीक है, 8 और 1 को साथ में आपने बैठा दिया है. Yes, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है. अब इस 8 और 1 का कॉम्बिनेशन, यानी कि शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन, पिता और पुत्र आपस में बैर है, लंबी स्टोरी आपको पता है. तो ये कॉम्बिनेशन बेकार का कॉम्बिनेशन है. यहाँ पे हमने देखा 5-2 का कॉम्बिनेशन, अगेन मरकरी और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन. ये ना घोर एनिमी नंबर्स हैं. बुध और चंद्रमा का सुना होगा ना आपने? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है सर. हाँ, वो स्टोरी सुनी होगी ना आपने ऋषि में, मतलब ठीक. हाँ, छल से पैदा हुआ ये उसका पुत्र है बुध. हाँ, तो बुध तो पिता है, तो वो उतना बैर नहीं करता चंद्रमा से, बट चंद्रमा बहुत ज्यादा बैर करता है क्योंकि इसने मेरी माँ के साथ छल किया था. तो 3 और 6 को आप देख लो, ठीक है. तो ये सारे एंटी नंबर्स आपने नहीं रखने हैं. अब रूल नंबर 5 क्या कहता है, एंजल नंबर. बहुत पॉपुलर हो गया है, कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट. बहुत आर्टिकल्स पढ़ोगे, बहुत ज्यादा वीडियोस देखोगे, बुक में देखोगे, एंजल्स नंबर को लोग भर भर के अपने मोबाइल में डाल रहे हैं. एक थ्योरी कहती है आपकी, आप एंजल नंबर्स रखो, बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है. बट एक क्वेश्चन मार्क लगा के रखो, जब भी आपके पास में मैं ग्लास दे दूं, ऑलरेडी फिल्ड है, ठीक है, ऑलरेडी फिल्ड भरा हुआ ग्लास मैं आपको दे दूं, और भरोगे उसे? नहीं भरोगे ना, पानी बाहर आ जाएगा. सिमिलरली आप एंजल नंबर का कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हो उस व्यक्ति को, मुझे इच्छा होगी यार मैं इसको 1 दे देती हूँ, ये बड़ा मोटिवेट हो जाएगा, बड़ा लेजी जैसा रहता है, डिपेंडेबल है दूसरों पे, इंडिपेंडेंट बनेगा, थोड़ा करेज कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना है, दे दो इसको 1. बट उसके पास में, मैं उसके मोबाइल कॉम्बिनेशन में 1 डाल रही हूँ, बट उसके पास ऑलरेडी उसके लोशो ग्रिड में नंबर्स भरे हुए हैं, तो उसके लिए प्रॉब्लम करेंगे नहीं करेंगे?
करेंगे नहीं करेंगे, आपके आप मेरे घर पे आते हो, मैं आपको ठीक है टी कॉफी आप जो भी पीते हो, मैं आपके उसमें एक चम्मच दो चम्मच की जगह पे 10 चम्मच सुगर डाल दूं, तो आपका टेस्ट बेकार होगा नहीं होगा? आज घर में आपकी वाइफ सब्जी बना रही है तो आपके सब्जी में वो नमक ज्यादा डाल दें, सॉल्ट ज्यादा डाल दें, तो क्या होगा? खा पाओगे क्या उसे? नहीं खा पाओगे ना। तो ये कहने का मतलब है कि कोई चीज आपको अति में मिल जाए, अति हो जाए, तो वो भी अच्छी नहीं होती है। समझ रहे हो ना? इस एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ इसलिए समझ में आए वो बात लंबे टाइम तक। तो एंजल नंबर देते वक्त भी सोच समझ के देखो कि उसको देने की जरूरत है या नहीं है। ऑलरेडी लोशो ग्रिड में 3322 भरा हुआ है, उसके पास उसको वाइफ चाहिए नहीं, तो क्यों डाल रहे हो वो नंबर? अवॉइड करो एंजल नंबर्स भी। गुड नंबर्स होते हैं आपके, जैसे बैड नंबर और गुड नंबर्स, कौन से अच्छे नंबर हो गए? आपके 3 को अच्छा माना जाता है, ठीक है। आपके चाइना में देखो 4 को डेथ के नंबर के बराबर कंपैरिजन किया जाता है, बट यहाँ चाइना में ही 8 को बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। कहीं से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है सीमा जी? आपके वहां से आ रही है क्या? ठीक है, तो 8 को देखो चाइना में अच्छा माना जाता है और 4 को खराब माना जाता है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग थ्योरी है। वैसे ही जापान वाले नंबर 7 को बहुत अच्छा मान लेते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, सप्तमंडल है, सप्तऋषि है, सप्तपदी है, 7 फेरे वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए उन्होंने नंबर 7 को बहुत अच्छा मान लिया। नंबर 8 को पैसों का नंबर, लग्जरी का नंबर, वेल्थ का नंबर, वो कहते हैं कि अबंडेंस लाने वाला नंबर है चाइना में। तो ऐसे हर कंट्री की अपनी अपनी न्यूमरोलॉजी है और हर कल्चर में अलग अलग चीजें अलग हो जाती हैं। जैसे नॉर्थ का कल्चर अलग हो जाता है और साउथ का कल्चर अलग हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे बालाजी बोला तो करुणा ने कहा बालाजी लॉर्ड विष्णु, हमने कहा नहीं नहीं बालाजी यानी कि लॉर्ड हनुमान। तो वैसे हर कंट्री की अपनी अपनी न्यूमरोलॉजी होती है, तो ये भी जरा ध्यान में रखना कि किसी चाइना वाले को 4 नंबर नहीं पकड़ा देना। और ठीक है, और चाइना वाले से ये नहीं बोलना कि भाई तो नंबर 8 ना ले, ठीक है। और जापान वालों को मत बोलना कि 7 नंबर बुरा होता है, ठीक। और कभी भी वेस्टर्न में जाके, मतलब जो आपका जैसे आपका लंदन हो गया, आपका यूरोप हो गया, ठीक है, और आपका अमेरिका, आप जैसी सिटीज हो गई आपकी, वहां जाके ये मत बोलना कि आप 13 नंबर बड़ा पावरफुल होता है, 13 नंबर को रख लो, ठीक है। आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो, 13 नंबर आपको ऑर्गेनाइज्ड कर देगा। तो वहां पे 13 नंबर को बहुत ज्यादा इनऑस्पिशियस माना जाता है। ये सबसे ज्यादा इनऑस्पिशियस वेस्टर्न में माना गया, फिर उसके बाद ये चाइना में आया, फिर उसके बाद इंडिया में आया, ठीक है। ये 13 नंबर की जो कहानी आई हुई है हमारे पास में, और ये 4 नंबर की जो कहानी आई है वो सबसे पहले चाइना से ही हमें आई हुई है। अंकों के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं चाइना वाले, इंडियन भी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें गुड नंबर्स को ये देखते हुए लेना है, मतलब मैं आपको बता दूंगी, बट आप देखना कि कौन सी कंट्री वाले व्यक्ति को दे रहे हो और कौन से कल्चर वाले व्यक्ति को दे रहे हो, ठीक। तो ये जरूर आप ध्यान में इसको रखिएगा। तो यहाँ पे गुड नंबर्स की कैटेगरी में आपके नंबर 1 को भी कुछ लोग अच्छा मानते हैं, नंबर 2 को भी अच्छा मानते हैं, नंबर 3 को भी अच्छा मानते हैं, कुछ लोग 6 को 5 को भी अच्छा मानते हैं, ठीक है, और 9 को भी कुछ लोग अच्छा मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं 1 और 2 और 9 बेकार हैं। तो 3 को लेके और 6 को लेके, 5 को लेके बहुत ही कम विवाद हैं, जितनी भी मैंने अभी तक बुक्स पढ़ी हैं, आर्टिकल्स पढ़े हैं, जो भी मैंने देखा हुआ है। तो 3 हो गया आपके पास, व्यक्ति को 3 दे दो आप, 6 दे दो आप, ठीक है, 5 दे दो आप, ये नंबर्स आप उसको अच्छे कॉम्बिनेशन में टोटल इन नंबर्स का दे सकते हो। 3, 6, 5 अगर किसी के नंबर का टोटल आ रहा है, तो इन जनरल इन नंबर्स को अच्छी कैटेगरी में रखा गया है। इन ऑस्पिशियस नंबर में कौन से नंबर आ जाते हैं आप बताइए? बहुत बार मैंने आपको बताया इन ऑस्पिशियस 3 मेजर नंबर, और यहाँ पे तो 4 मेजर नंबर इन ऑस्पिशियस हो जाएंगे। 8 कार्मिक नंबर 0 नहीं, कार्मिक नंबर नहीं, सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर बोलिए। 8074 हाँ, कंप्लीट हो गया, वेरी गुड, 8074। बस कुछ ही लोग हैं जो बोलते हैं, अब मैं नाम लेके बोलूंगी, ठीक है। तो 8074 क्या है आपके अच्छे नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आते, बट मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि चाइना वालों को जब दे रहे हो तो मत कहना कि जब मैं नंबर 8 नहीं देता हूँ वहां पे अच्छा माना जाता है। 7 जापान के लिए अच्छा माना जाता है, 0 तो कहीं पर भी मैंने नहीं सुना कि 0 लगा दो बड़ा अच्छा है। इनऑस्पिशियस नंबर और ऑस्पिशियस नंबर हमें पता लग गया कि इनऑस्पिशियस नंबर कौन से हैं। यदि आपके मोबाइल का टोटल यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं 487 पे आता है तो थोड़ा अवॉइड कीजिए, कार्मिक आता है अवॉइड कीजिए। गुड नंबर कौन से हैं आपके? 3 हो गया, आपका नंबर 5 हो गया और आपका नंबर 6 हो गया। कुछ लोग 1 और 9 और 2 को भी इंक्लूड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोफेशन का नंबर। देखो जब भी हम प्रोफेशन के नंबर,
सॉरी इनऑस्पिशियस नंबर पुनः एक बार बता दें क्या? हाँ, इनऑस्पिशियस नंबर 4, नंबर 8, नंबर 0, नंबर 7. ओके मैम, थैंक यू. 4807. अभी इसके साथ में आप लिख लीजिएगा कि 8 को चाइना में ऑस्पिशियस माना जाता है और जापान में नंबर 7 को अच्छा माना जाता है. ठीक है, कंडीशन अप्लाइड. और ऐसा नहीं कि ये नंबर जब हम किसी को देंगे ही नहीं, कुछ कंडीशन में ये नंबर वे में बात कर रही हूँ, जनरल ऑस्पिशियस, जनरल इनऑस्पिशियस नंबर. अब प्रोफेशन की बात करते हैं, तो प्रोफेशन के हिसाब से कैसे हम अपना नंबर चूज करेंगे ये भी हम स्टडी करेंगे. ठीक है, लंबा टॉपिक होगा ये, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करवाऊंगी कि प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे स्टडी करेंगे कि इस व्यक्ति को कौन सा नंबर हमें देना चाहिए. इन रूल्स में कोई क्वेरी है तो पूछिए, फिर नेक्स्ट रूल्स की तरफ बढ़ते हैं. एंजल नंबर क्या है? हाँ करुणा, देखो ऐसे जो नंबर का रिपीटेशंस होता है ना, ठीक है, जैसे हमारा 111 हो गया, हमारा 222 हो गया, हमारा कोई 333 हो गया, इनको एक एंजेलिक नंबर की संज्ञा दे दी गई है और उस हर एंजेलिक नंबर को एक देवदूत से कनेक्ट कर दिया गया है. ठीक है, हाँ, जैसे 777 को एक देवदूत से कनेक्ट किया, 111 को एक देवदूत से कनेक्ट किया, 222 को एक देवदूत से कनेक्ट कर दिया और हर उस नंबर के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रेडिक्शन बनाती. जैसे हमने यहाँ पे 111 की बात करी थी ना, तो 111 को हमने कहा कि ये क्या है, अच्छी इंट्यूशन वाले लोग हैं. तो वैसे ही उन्होंने क्या किया हुआ है, 111 से लेके इस नंबर के रिपीटेशन की सीरीज को, जब एक नंबर 111 फॉर्म में दिख रहा है, 222 फॉर्म में दिख रहा है, 666 फॉर्म में दिख रहा है, 777 दिख रहा है, तो एक देवता से, एक एंजल से उसको कनेक्ट कर दिया. अब 777 को बोला है कि ये नंबर डायरेक्ट देवताओं का मैसेंजर है. ठीक है, अगर आपके पास में ये नंबर आ जाता है तो मतलब भगवान आपकी बातें बहुत जल्दी सुन रहे हैं. 777 को कहा जाता है कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है, ये एक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है और एक ऑस्पिशियस नंबर की तरह इस नंबर्स को देखा जाता है. ठीक है, तो ऐसे ही एंजल नंबर का रहता है हमारा कॉन्सेप्ट. तो किसी में जब बोल रही थी एंजल नंबर्स देना, तो 111 222 मत भरना किसी के उसमें भी. हाँ, एनी नंबर रिपीटेड 3 टाइम्स इज एंजल नंबर मैम? Any number repeated 3 times is not an angel number. Repetition of numbers is angel number. So, twice or thrice or any number of times is angel number? Repetition, repetition. हाँ, ऐसे करके हमारे बहुत ही ज़्यादा angelic numbers हैं. Ma'am, earlier you said intensity. It shouldn't cross the intensity. Though it is a good number. नहीं नहीं नहीं, हम intensity की यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ पे कह रहे हैं कि लोग angels number डालने के चक्कर में numbers डाल देते हैं. ठीक है, जो भी मतलब आप यहाँ इंटेंसिटी का मतलब भी आप वैसे समझ सकते हो. ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि 1 की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इंटेंसिटी का मतलब होता है कि 1 हाउ मेनी टाइम्स 1 शुड रिपीट. ठीक है, 2 मींस हाउ मेनी टाइम 2 शुड रिपीट. जब हम एंजल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये ग्रुप है, इट कुड बी अ 3 और नंबर्स, इट कुड बी अ 4 नंबर. ठीक है, अब हम 444 को भी एक एंजेलिक नंबर में डाल देंगे, हम 333 को भी एक एंजेलिक नंबर में डाल देंगे, हम 777 को, और चार टाइम अगर 47 आ जाता तो उसको भी एक एंजेलिक नंबर की कैटेगरी में डाल देते हैं और एक हर एंजल से एक डेटी को ऐड कर देते हैं और हर एंजेलिक नंबर का मीनिंग अलग अलग बना देते हैं. तो ये रिपीटेशन अलग है और ये रिपीटेशन अलग है. ठीक है, ये रिपीटेशन पैटर्न में आ रहा है. ठीक है, आपके लोशो ग्रिड में जब भी नंबर्स 1 की इंटेंसिटी हमने कहा था कि कितनी बार होगी, एक बार होगी तो ये होगा, दो बार होगी तो ये होगा. यहाँ पे एंजेलिक नंबर क्या आ रहे हैं, पैटर्न्स में आ रहे हैं. ठीक है, 111 का पैटर्न, 1111 का पैटर्न, 3333 का पैटर्न, 777 का पैटर्न और इट कुड बी अ 7 का पैटर्न. सो मैम, हियर व्हिच नंबर शुडंट बी इन एंजल नंबर रिपीटेशन का? किसी भी, देखो एंजल नंबर्स, अभी आपको क्या पता चला, अभी आपको मैंने बताया कि 777 एक एंजेलिक डेटी का नंबर्स है, 111 अच्छा नंबर है, 222 अच्छा नंबर है. तो कई लोग क्या करते हैं ना, एंजल नंबर्स हैं, ओके हम मतलब गॉड के डायरेक्ट मैसेंजर बोलते हैं एंजल्स को, तो इनसे कनेक्ट हो जाएंगे, इसलिए वो लोग नंबर्स डाल देते हैं, 111 डाल देते हैं. 111 आपका न्यू बिगनिंग के लिए डाला जाता है, जैसे लाइफ में ना किसी की को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है तो मैं उसको 111 का पैटर्न वाला नंबर दे दूंगी. ठीक है, कि आप 1111 ले लो या आप 111 ले लो, ये आपकी लाइफ में क्या है, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग को लेके आ जाएगा. ठीक है, तो लोग ऐसे डाल देते हैं एंजेलिक नंबर. तो बट एंजेलिक नंबर डालने से पहले उसका लोशो ग्रिड देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. हाँ बोलो. 888 भी ले सकते मैम?
लोग डालते हैं 888 भी, एंजेलिक नंबर है करके. ऑल नंबर्स आर अलाउड विद रिपीटेशन. मैंने बोला कि नहीं डालने हैं. मैंने बोला एंजेल नंबर्स, एंजेलिक नंबर, एंजेल नंबर्स आर टू बी अवॉइडेड. एंजेल नंबर टू बी अवॉइडेड. एंजेल नंबर लोग डाल देते हैं, इसीलिए मैंने उसको रेड हाईलाइटेड किया कि एंजेल नंबर लोग डाल देते हैं, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू टू पुट द एंजेल नंबर. ठीक है, एंजेल नंबर एक्सट्रीम एक्सट्रीम केसेस में डालोगे. ठीक है, एक्सट्रीम केसेस में डालोगे, जैसे आप किसी को 111, जैसे सब सीमा जी के पास बहुत सारे वन आ गए हैं, तो वो उनको मैं 111, मैं वो मेरे पास आई, मैं कहीं बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो मैं उनको 111 थोड़ी ना दे दूंगी कि लो न्यू बिगनिंग हो जाएगी. ठीक है, तो उसका डिसएडवांटेज हो जाएगा उनको, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 111 भरे हुए हैं उनके लो शुग्रिड में. ठीक है, अब 888 क्या करता है? ठीक है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स देता है, आपकी लाइफ में अबेंडेंस लेके आता है. ठीक है, आपको आपकी लाइफ का कंट्रोलर बना देता है, पेशेंस डेवलप करवा देता है ये नंबर. ठीक है, एक तरह से आपको क्या होता है ना, प्रिंसिपल वादी सैटर्न की तरफ बना देता है. बट आप इस नंबर को थोड़ी ना भर दोगे किसी के मोबाइल नंबर में, जब उस 888 को अभी हमने कहा है कि 8 अच्छा नंबर नहीं है, फिर आप उसको आप इतना 888 भर के दे दे रहे हो. चलो चाइना में, चाइना का कर रहे हो किसी व्यक्ति का, चाइना के क्लाइंट का कर रहे हो अपना, तब भी 888 नहीं दोगे. देखोगे ना उसके लो शुग्रिड में कितनी बार 8 आया हुआ है, ऑलरेडी एक दो बार 8 का रिपीटेशन है, तो फिर उसको 888 देने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितना ही ऑस्पिशियस क्यों ना हो, क्योंकि किसी भी नंबर की अति खराब कर देती है, चाहे वो कितना ही ऑस्पिशियस हो. सॉल्ट अगर सब्जी में, आपके वेजिटेबल्स में, आपके फूड में ना पड़े, खा नहीं पाओगे, बहुत फीका लगेगा, इतना इंपॉर्टेंट है सॉल्ट. बट वही सॉल्ट अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए, थोड़ा सा भी ज्यादा मात्रा में हो जाए ना, तब भी नहीं खा पाओगे. सीमा जी आपका क्वेश्चन था. सीमा जी आप कुछ पूछ रहे थे. हाँ सीमा जी कुछ पूछ रहे थे. नंबर यही हुए ना, 111 नंबर का पैटर्न सिंपल. मैं समझने के लिए, जब भी आपको नंबर रिपीटेशन में लगे, पैटर्न में लगे, चाहे वो 3 के ग्रुप में लगे, 111 4 times 1, ठीक है, 11 11 जिसे बोल देते हैं, 777 77, 888 रिपीटेशन ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ रिपीटेड नंबर्स. हाँ तो हम एंजेलिक नंबर की बात कर रहे हैं. ठीक है, वो उसको छोड़ के इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि ये नंबर इनऑस्पिशियस नंबर है, ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं. उसकी उसकी कमी है ना उस व्यक्ति में, तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं. देखना पड़ता, हाँ, लो शुग्रिड भी हमें देखना पड़ता है. ठीक है, लो शुग्रिड किस लिए देखना पड़ता है? कि उसके पास में ऑलरेडी वो नंबर है या नहीं है. इन डिटेल में आप जाएंगे तो हमें लो शुग्रिड भी देखना पड़ता है. बाकी आप देखेंगे कि लोग मूलांक, भाग्यांक और डेस्टिनी से मैच कराओ, वहीं पे कहानी खत्म कर देते हैं. बट ऐसा मत करो. मैंने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखे अपनी लाइफ में, जितने लोगों को भी दिया हुआ है. ठीक है, तो इसी तरह से आप करके देखोगे और लोगों के लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपको थैंक्स बोलेंगे भी कि वो चलो इसने अच्छा एक नंबर दिया, मेरा भाग्य परिवर्तन हो गया इस नंबर के बाद. ठीक है, मेरी लाइफ में मुझे अच्छी चीजें सुनने को मिल रही है, मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही थी, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा था. ठीक है, ये दो चीजें मेरी लाइफ में होने लगी हैं. आप दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो. बट आप मुझे बोलो कि मैंने जीएस राव सर किसी का देखा और उसके पास लो शुक्रेट में नंबर 4 नहीं था, मैंने उसको 2 दे दिए, तो ये नहीं करना है. okay. समझ रहे हो? एक स्पून नमक तो 1 स्पून आपके सॉल्ट की तरह है. शुगर तो फिर भी, मतलब मेरा जैसा जो स्वीट लवर पर्सन होगा, 2 चम्मच से ज्यादा 3 भी हो गया तो ले लेगा, बट सॉल्ट को नहीं ले पाओगे. तो ये आपकी सॉल्ट हो गए 4, जो भी इनऑस्पिशियस नंबर जिनको हमने कहा है ना, वो सॉल्ट हो गई आपकी. बट देखो 0 तो मत देना किसी को भी. ओके, 0 भी डाल दो. वन मोर दिस थिंग, इफ देयर इज एंटी नंबर्स इन योर मोबाइल, वी हैव टू चेंज, गो फॉर न्यू मोबाइल दिस थिंग, और वी कैन हैव रेमेडीज आल्सो. इज देयर? पता है, जब मैं रेमेडी की स्लाइड बना रही थी, मुझे सबसे पहला ध्यान आप ही क्या आया, मैंने उसको असाइनमेंट में रखा हुआ है. मैंने कहा आज रेमेडी को असाइनमेंट में दूंगी. आप मेरे को अपनी प्रोबेबिलिटी से अपने बताओगे कि क्या रेमेडीज हम दे सकते हैं, क्या करेंगे, ये हम पढ़ेंगे लास्ट में. अभी इस रूल्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछो. ओके, रूल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, फिर इन बिटवीन नहीं पूछना. क्लियर?
मेरा ना फ्लो टूट जाता है, मेरे को जो चीज वैसे भी पता होती है जो प्रेजेंटेशन में नहीं, फिर मैं वो पता नहीं पाऊंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे सबको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बात करेंगे कि मोबाइल नंबर को कैसे कैलकुलेट करें। बहुत ही आसान है, सबको पता है अपना मोबाइल नंबर कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो उसके लिए कैलकुलेशंस कैसे होती है, एड द इंडिविजुअल डिजिट ऑफ द मोबाइल नंबर टुगेदर, ठीक है। अपने मोबाइल नंबर की जो 10 डिजिट हैं उनको एक साथ लिखिए और उनको ऐड की करिए, और ऐड करने के बाद रिड्यूस द सम टू अ सिंगल डिजिट। ऐड करने के बाद आपका जो टोटल है वो दो नंबर में आएगा, तो उस टू डिजिट नंबर को आपने क्या करना है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। जब भी आप अपना मोबाइल नंबर ऐड कर रहे हैं तो आप उसमें किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, अपनी बी लव्ड कंट्री मेरा भारत महान 91 नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं उसका कंट्री कोड नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया था कि क्यों नहीं लगाएंगे। तो इस केस में किसी व्यक्ति का नंबर है 9876543210, तो उसका टोटल करके क्या आ गया है 45। यहाँ पे मैंने ना गलती से 1 लिख दिया, तो उसका टोटल करके क्या आ गया है 45। तो 45 टू डिजिट में है, तो टू डिजिट को हमने कन्वर्ट करा है सिंगल डिजिट में, तो यहाँ पे कितना आया 4+5=9। अगेन आप सबको पता है, या फिर से समझाऊं मैं, यहाँ पे हमने एक नंबर लिया हुआ है जिसमें हमने कंट्री कोड यूज नहीं किया है। आप भी अपने क्लाइंट का नंबर लेंगे, कंट्री कोड यूज नहीं करेंगे, उस क्लाइंट के इन 10 डिजिट नंबर को आप ऐड करेंगे, वो किस में आएगा, टू डिजिट में आएगा। सिंगल डिजिट आ जाए तो बहुत अच्छी बात, टू डिजिट में आ जाता है तो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है, 4+5 करके आ गया हमारा 9, ठीक है। तो इस व्यक्ति का जो मोबाइल का टोटल हो गया, मोबाइल नंबर्स का टोटल हो गया, वो कहाँ पे आ गया, हमारा 9 पे आ गया है। तो इसी अब आप लोग अपने क्लाइंट का अपना इंडिविजुअल मोबाइल नंबर का टोटल निकालने में कोई प्रॉब्लम? हाँ विक्रम जी। मैम आई हैव अ डाउट, यहाँ पे सो ईच लाइक एयरटेल या जियो है ना, वैसे हर एक का फर्स्ट डिजिट्स सेम ही रहता है, और उसके बाद जो नंबर्स आते हैं सिर्फ वो अलग होते हैं। So suppose if a person is from Airtel, I mean I'm just giving an example here, तो उसका पहला नंबर 176 रहता है, so जो भी Airtel subscribers है उनका 176 रहेगा, और उसके बाद Airtel का क्या रहता है, Airtel का क्या रहता है? नहीं मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, सिमिलर टू Airtel यहाँ पे जो जो सर्विस प्रोवाइडर है ओके तो उसका उसके पहले 3 डिजिट एक कॉमन रहता है, 3 डिजिट कॉमन रहते हैं। हाँ, मैं आपका सवाल समझ गई, 3 डिजिट इसमें कॉमन आ गए ना। सपोज यही केस जियो के साथ में भी हो रहा है, यही केस किसी और नंबर के साथ में भी हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उन नंबर्स का ज्यादा असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, दैट बिकम एन यूनिवर्सल नंबर, दैट बिकम एन यूनिवर्सल नंबर। उसके बाद जो नंबर्स आएंगे ना, हम इसको प्रोडक्शन में यूज करेंगे, ठीक है, हम इसको प्रोडक्शन में यूज करेंगे कि हम कैसे प्रोडक्ट करें और कहां से कौन सी पोजिशन पे उठाया हुआ हम नंबर ले लें। तो अब यहाँ तक आप, जैसे इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि अब जैसे हम ही देखेंगे ना कि आप ही लोगों के मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों का नंबर्स 9 से स्टार्ट हो गया है, ये आप लोगों के ही नंबर्स हैं। देखो ये किसका नंबर है, 9810665070, किसका नंबर है ये, अलकिया आपका नंबर है ये, सीमा जी आपका नंबर है ये, 5070 माई नंबर। हाँ तो ये देखो सीमा जी का नंबर, ये भी 9 से स्टार्ट हुआ है, ये देखो ये एक और नंबर है 9182750783, ये भी 9 से स्टार्ट हुआ है, 9 से शुरू होंगे ना, ठीक है। तो हाँ मैं वही बता रही हूँ, तो ये नंबर्स का आप देखो आपके ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इन नंबर्स को इग्नोर कर दीजिए, जस्ट लाइक योर कंट्री कोड। स्मॉल टिप, दो इट इज 9 इज देयर, इफ यू रिमूव इट आल्सो टोटल डजंट मैटर, द सेम टोटल। हाँ, 9 की ब्यूटी भी नहीं, नहीं हम यहाँ पे वो 9 वाला, आपने बहुत अच्छी बात करी है, जब भी आपको किसी नंबर्स का टोटल करना होता है तो आप 9 को हटा दो, इसीलिए सैलियन ने 9 का वैल्यू नहीं ली है, कहा कि 9 को रखेंगे तो भी टोटल वही आएगा, 9 को ऐड करेंगे तो भी टोटल वही पे आना है, ठीक। रिमूव ऑल 9s एंड देन टोटल, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे ये 6 वाला नंबर किससे, 6 वाले जियो के, जैसे अभी अलकिया बोल रही थी कुछ इससे स्टार्ट होते हैं, जियो वो किससे स्टार्ट होते हैं अलकिया, जियो पैटर्न है मैम, 6789 तीनों का एक एक पैटर्न है उनका। हाँ, 6789182 हाँ, 6 से स्टार्ट, तो 6 तो सबके उसमें कॉमन मैं डाल दूं ना। हाँ मैम, तो ये नंबर 6, अब ये वोडाफोन के भी 6 होते हैं मैम, आइडिया और वोडाफोन।
हाँ तो जियो में सबके सिक्स हो गए, तो सिक्स का जो नंबर है वो ज्यादा असर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है करुणा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो यूनिवर्सली अलोकेटेड हो गया उसका इन्फ्लुएंस, उसका असर आपके पास में थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो स्टार्टिंग की डिजिट उतनी ज्यादा आपके लिए मैटर नहीं करेगी। क्लियर हो गया विक्रम जी? गॉट इट मैम। विक्रम जी क्लियर हुआ आपको? क्लियर, yeah। अब जियो में सबके आगे सिक्स लग गया है, गॉड गिफ्ट हो गया वो। कहां पे थे हम? हम इस वाली प्रेजेंटेशन में थे, ठीक है। तो अब सबको अपना मोबाइल नंबर कैलकुलेट करना आ गया कि आप कैसे अपना मोबाइल नंबर कैलकुलेट करोगे। अब इस व्यक्ति का मोबाइल नंबर क्या है? 9 है। अब एमबीडी मेथड आप लोग अप्लाई करोगे, उससे पहले एक और स्लाइड में हम जाते हैं। अरे ये आपको कौन सी स्लाइड विजिबल हो रही है मैम? ये नंबर तो मोस्ट आइडियल नंबर, ऐसा नंबर नहीं होता 1 to 9 ऑल नंबर्स। कहाँ पे? वो एग्जांपल दिया ना। हाँ नहीं नहीं, वो एग्जांपल को एग्जांपल रहने दो। मोबाइल नंबर हाउ टू कैलकुलेट में एक और नंबर ले लो, ठीक है। तो इस नंबर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिमूव 9-1 को हटा देंगे, ठीक है। आपका कोई भी कंट्री कोड है आप उसमें से वो कंट्री कोड को निकाल देंगे। तो यहाँ से हमने प्लस 9-1 को हटा दिया, बाकी जितनी भी डिजिट थी उनका टोटल में तो यूज करना है। बट जब मैं आपको प्रोडक्शन करना बताऊंगी मोबाइल नंबर से किसी का भविष्यवाणी कैसे करोगे, तब उस केस में आपने ये जो यूनिवर्सली एलोकेटेड नंबर है उनके असर को थोड़ा अवॉइड करके ही बोलना है, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐड करते वक्त जब हम किसी का टोटल निकाल रहे हैं मोबाइल नंबर का, तो हमने प्लस 9-1 उसके कंट्री कोड को हटा देना और बाकी जितनी भी डिजिट हैं उन सबको ऐड करना है। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति का मोबाइल नंबर 9165 56533555 आ गया है, उसको हमने ऐड किया तो आया टोटल 50 में से हमने इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया है, 5+0 इतना सबको आता है इक्वल टू 5। तो इस व्यक्ति का मोबाइल का टोटल 5 हो गया, ठीक है। अब एमबीडी मेथड एंड अब ओके कैलकुलेट योर, मैंने 35 क्यों लिखा समझ नहीं आ रहा, अभी बाद में समझ क्लिक करेगा तो बताऊंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो कैलकुलेट योर भाग्यांक, कैलकुलेट योर नेम नंबर। अब हम क्या करेंगे, अब अपने जो ये मुझे नंबर मिला हुआ है उसको ये देखेंगे कि वो मेरे भाग्यांक के साथ में मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। मेरा डेट ऑफ बर्थ के टोटल के साथ मैच करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि एक व्यक्ति का जन्म कब हुआ है, June 15, 1990। तो उसका भाग्यांक कैसे निकालेंगे, सबको पता है भाग्यांक निकालने के लिए क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर का टोटल करते हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने सबसे पहले मोबाइल नंबर को जब सिंक्रनाइज करना है तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मोबाइल नंबर का टोटल निकाला, फिर हमने क्या किया कैलकुलेट किया भाग्यांक को, भाग्यांक यानी कि उस व्यक्ति के जो जन्म की तारीख है उसके सारे नंबर्स को, उसकी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स को ऐड कर दिया। So, यहाँ पे हमने क्या किया, भाग्यांक के सारे डिजिट को, हमें भाग्यांक निकालने के लिए डेट ऑफ बर्थ के सारे डिजिट को ऐड करके नंबर 4 पे ले आए। अब उसका नेम नंबर भी हमने निकालना है, नेम नंबर कैसे निकालेंगे, शेल्डन के हिसाब से आप उसका नेम नंबर निकालिएगा। तो नेम नंबर निकाल के क्या आया, हमारा नंबर 8 पे आ गया है। तो वो व्यक्ति जॉन स्मिथ जिसका नाम है, जिसका मोबाइल नंबर का हम टोटल कर चुके हैं और उसका भाग्यांक भी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं और उसका नेम नंबर भी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम बनाएंगे उसका लकी नंबर। तो लकी नंबर के लिए क्या रिफर करोगे आप, कोई चीज मिस है इसमें, एमबीडी मेथड में कुछ चीजें मिस हैं? हमने एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ली हुई है जिसका जन्म June 15, 1990 को हुआ है, ठीक है, जिसका नेम क्या है, जॉन स्मिथ। तो उसका क्या क्या निकाला है हमने, मोबाइल नंबर। उसका क्या निकाला है हमने, मूलांक। उसका क्या निकाला है हमने, भाग्यांक। कुछ और मिस है मोबाइल नंबर को सिंक्रोनाइज करने के लिए, सोच के बताना। डिस्ट्री नंबर है ना, मूलांक निकाला है आपने, देखो बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं है, निकाला हमने मूलांक नहीं चाहिए। निकाला हमने मैंने मूलांक लिख दिया वहां पे, मूलांक नहीं निकाला है हमने, हमने क्या निकाला है, नेम नंबर निकाला है।
एमबीडी मेथड आ गया, ठीक है, जिसको डेस्टिनी नंबर आप लिख दो, जिससे आपको ये याद रहेगा कि एमबीडी हर जगह पे अप्लाई करना है, एमबीडी मेथड। तो अब मोबाइल नंबर का टोटल हमने निकाल दिया, हमने उसका मोबाइल नंबर का टोटल निकाला था, जॉन स्मिथ का क्या आया था मोबाइल नंबर का टोटल हमारा, देख लेते हैं किस पे आया था, 5 पे आया था, ठीक है। तो जॉन स्मिथ जिनका जन्म जून 15, 1990 को हुआ है, उनका मोबाइल नंबर का टोटल 5 है। उनका मूलांक क्या है विक्रम जी? 6। भागांक क्या है जी एस राव सर? 8 मैडम। हाँ, और उनका नेम नंबर क्या है? नेम नंबर 8 मैम, भागांक तो 4 है। 8। हाँ, भागांक क्या है? 4। डेस्टिनी नंबर क्या है जी एस राव सर? 38 मैडम। आपको भूख लग गई, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे कि ये नंबर जो जॉन स्मिथ के पास है, जिसका टोटल करके 5 आता है, इन जनरल ये तो हमने कहा अच्छा नंबर है, बट क्या इसके मूलांक, इसके भाग्यांक और इसके डेस्टिनी से सिंक्रोनाइज होता है? चलो इसकी एज कितनी है, 1990 बॉर्न है, कितनी एज हो गई अभी तक? 33। ठीक है, तो हम इसमें केस में मूलांक भी ले लेंगे। अब हम इसमें एक नई टेबल यूज करेंगे, जो पुरानी टेबल है उसको भूल जाओ, नई टेबल यूज करेंगे हम इसमें। मैंने नई टेबल इसमें हाँ ऐड करी हुई है। तो इसका मूलांक क्या था, जॉन स्मिथ का मूलांक क्या था? 6। 6 था, 6 था, ठीक है। तो मूलांक के अकॉर्डिंग लकी नंबर्स क्या हो गए, हम नोट कर लेंगे, इसके मूलांक के अकॉर्डिंग लकी नंबर क्या है? 3, 5, 6, 9, ठीक है। उसके फिर भाग्यांक के अकॉर्डिंग कौन से लकी नंबर हो गए? 3, 5, 6, 4, 5, 6। भाग्यांक क्या है? 4 था, तो 5, 6, ठीक है। तो 5, 6 भी लकी है, और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि उसका यहाँ पर भी 5, 6 आया हुआ है, और नेम नंबर के अकॉर्डिंग कौन सा नंबर लकी हो गया? 8। तो इस व्यक्ति के पास 3 मेजर नंबर क्या थे? 4 था, 6 था, 8 था, एमबीडी, ठीक है। एमबीडी क्या था इसकी? 4 था, 6 था, 8 था। तो वैसे ही आप किसी भी व्यक्ति का मूलांक, भाग्यांक और उसका नेम नंबर, डेस्टिनी नंबर निकालोगे, फिर क्या देखोगे कि उसके लिए इस टेबल में रेफर करोगे कि कौन सा नंबर लकी है। तो अब जॉन को आप कौन सा नंबर देना चाहोगे? 5 कैसे मैच होता है, मैं वो देख रही थी मैम, मतलब 2 और 5 एंटी नंबर्स है ना, बट 2 के नंबर में 5 आ गया मैम, फ्रेंडली नंबर है। हाँ, बताऊंगी टेबल के बारे में, इस ये मोबाइल नंबर की टेबल के बारे में भी बताएंगे। 5 और 6 में जॉन के लिए लगा सकते हैं मैम, 5 लगा सकते हैं, आई थिंक 5 इज गुड। 5 और 6, हाँ, करुणा आप बोलो, आप बोथ 5 एंड 6 आर फ्रेंडली नंबर्स हियर मैम। हाँ, तो दोनों दे दोगे क्या, एक बताओ? ईदर वन इज फाइन, आइदर वन इज फाइन, ठीक है। करुणा ने कहा कि जॉन आप दोनों में से एक नंबर ले लो, दोनों चीजें आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। सीमा जी आप बताओ? 5 एंड 6 मैम। तो सभी लोग 5 एंड 6 पे एग्री करते हैं? अरे पिन ड्रॉप साइलेंस, यस मैम, ठीक है। तो सभी लोग एग्री करते हैं। विक्रम जी आप कौन सी सोच में हैं? जी एस राव सर आप कौन सी सोच में हैं? आपको समझ में नहीं आया, दोबारा बताऊं? 10 बार पूछ लो। 3 इज नॉट देयर नो इन दिस नंबर। हाँ, 5 और 6 देखो, बट 5 और 6 ज्यादा आ गए ना उसके पास में। बहुत अच्छे, आपने लोशो ग्रेड भी निकाल दिया। तो देखो, अब व्यक्ति को जब आपके पास चॉइस हो जाती है, तो वो नंबर दो जो उसके 3 मेजर नंबर के साथ सिंक कर सके, और उसके 3 मेजर नंबर के साथ उसकी दोस्ती हो, उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी हो, कोई समझ गया और उसने कहा 6, तो मैं इस व्यक्ति को क्या दूंगी? 6 दूंगी, समझ रहे हो? बट ये भी मैं जरूर चेक कर लूंगी कि उसके लोशो ग्रेड में 6 की भरमार ना हो, मतलब उसके लोशो ग्रेड में 6 ऑलरेडी बहुत ज्यादा ना आते हो। तो मैंने क्या करा, उसके मोबाइल, जनरल रूल है ये, कभी भी आपको किसी को मोबाइल नंबर देना है, इन जनरल बता रही हूं,
ठीक, अपनी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है तो आप क्या करो, उसका एमबीडी निकालो, मूलांक भाग्यांक और उसका डेस्टिनी नंबर। अगर उसकी एज 35 से कम है तो उसको मूलांक के अकॉर्डिंग सिंक कर दो, और यदि उसकी एज जो है 35 से अबव है तो आप उसको भाग्यांक के अकॉर्डिंग लगा दो। क्लियर हो गया? ये भी आप कर सकते हो। अगेन मैं कह रही हूं कि ब्रैकेट हैशटैग इट्स अ कंडीशन, जनरल हमें देना हो तो जनरल अगर हमें देना हो तो। इस केस में व्हाई वी चूज 5 इंस्टेड ऑफ आई मीन 5-6 बोथ आया था ना, क्यों 6 चूज किया? नहीं नहीं नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो 5 का अब बताओ, मूलांक भाग्यांक डेस्टिनी के नंबर्स में 5 कहां आया हुआ है विक्रम जी? क्या होते हैं? देखो हमारे 11, 22 और 33 को हमने क्या कहा, ये हमारे क्या है, मास्टर्स नंबर है। इन नंबर्स का हम अपनी लाइफ में यूज करेंगे। ये मास्टर्स नंबर हमें लाइफ में एनलाइटमेंट देंगे, प्रोग्रेस देंगे। हर मास्टर्स नंबर के बारे में हमने इंडिविजुअली पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, सबको पता है मास्टर नंबर की क्या कैपेबिलिटीज है। नंबर 11 क्या करता है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का नंबर है, एनलाइटमेंट का नंबर है, फुल ऑफ करेज कॉन्फिडेंस का नंबर है। वही नंबर 22 क्या कर रहा है, अगर किसी व्यक्ति के पास में 22 आता है तो क्या होता है, किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में अगर 22 आ रहा है तो उसकी इमेजिनेशन बढ़ जाती है। 33 आ रहा है तो क्या बना देता है व्यक्ति को, मास्टर टीचर बना देता है, एक स्पिरिचुअल और अवेकनिंग का नंबर है। तो ये कोशिश लोग, बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे एंजल नंबर के लाते हैं तो वैसे ये भी कोशिश करते हैं वो लोग कि इन नंबर्स को भी वो अपनी लाइफ में लेके आ जाए, मास्टर्स नंबर को। ठीक है, तो आप लोग भी ये कोशिश कीजिए कि अगर उसके पास 1 है ही नहीं, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ उसके पास 1 नहीं है लोशो ग्रिड में, मुझे ये नंबर्स देना चाहिए, तो आप उसको मास्टर्स नंबर भी दे सकते हैं। मास्टर नंबर से क्या हो जाएगा, उसकी वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी। बट देने से पहले वही आपने देखना है कि किसी व्यक्ति के पास में 22 ज्यादा आ रहा है, 33 ज्यादा आ रहा है, तो उसको आपने ये मास्टर नंबर नहीं देने हैं। क्लियर हुआ? कोशिश करिएगा, डालिए, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऑलरेडी उसके पास में है तो हम उसे ये नंबर नहीं देंगे। किसी के पास 22 ऑलरेडी है तो उसको हम 22 दे के हार्ट अटैक की बीमारी नहीं करवाएंगे, हम उसे ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव, ओवर पजेसिव नहीं बनाएंगे। क्लियर हुआ कहां पर हमने ये एंजल नंबर देने और कहां पर नहीं देने? कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, तो सारे जनरल रूल्स आपको क्लियर हो गए हैं अभी तक। जो लोग नहीं बोल रहे हैं मैं उनका भी समझ लेती हूँ कि वो लोग सोच रहे हैं कि हाँ सब क्लियर है उन्हें, बाद में कोई क्वेरी आए तो भी आप पूछ सकते हैं। अब ये भी एक जनरल रूल होता है, जब हमारे पास टोटल करके मोबाइल का 1 आ जाता है तो 1 क्या दिखाता है, जैसे यहां पर किसी कितने लोगों का नंबर 1 आया है, कोई ऐसा है जिसका मोबाइल का टोटल फैमिली मेंबर का टोटल करके 1 आया है, किसी की भी फैमिली में नहीं आया किसी का भी टोटल 1 पे? अगर किसी का टोटल आप निकालते हो और 1 पे आ जाता है तो क्या दिखाता है, वो न्यू बिगनिंग को दिखाता है, लीडरशिप की क्वालिटी दिखाता है, और उस व्यक्ति को नई अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ में करेज और कॉन्फिडेंस को भी उसके बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है, वो व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल इंडिपेंडेंट बना देता है। तो हमारे नंबर 1 के जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं वो इस व्यक्ति में दिखाई देते हैं। अब नंबर 2 किसी का आ जाता है, किसी के मोबाइल का टोटल करके 10 डिजिट का नंबर 2 आ जाता है, तो वो क्या है, एक अच्छा नंबर है, बैलेंस का नंबर है, हार्मनी का नंबर है, दूसरों के साथ में मिलजुल के रहता है, कॉपरेशन का नंबर है। तो ये नंबर 2 अगर किसी व्यक्ति का आ रहा है तो इन जनरल ये ट्रेट्स उसके पास होंगे। अगर आपके मोबाइल का टोटल क्या आ जाता है, नंबर 3 पे आ जाता है, तो क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन,
आपके पास होगी, जिसकी वजह से आपका विजडम अच्छा होगा और लाइफ में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेंगे और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपके पास वो पॉजिटिव थॉट्स होंगे। तो आप जिसके पास पॉजिटिव थॉट्स हैं, जो व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में घबराता नहीं है, तो उसकी ग्रोथ तो होगी ही लाइफ में। चित्रा प्लीज क्लोज द डोर बेटा। मैम इसमें नंबर 5 मिसिंग क्यों? अच्छा मैंने नहीं लिखा होगा, मैंने नहीं लिखा होगा, बट नंबर 5 होता है तो क्या आएगा? ऑरेटर अच्छा बन जाएगा, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा उस व्यक्ति का, ठीक है। ये जनरल रूल है वही जो आपके हमने नंबर के ट्रेड पढ़ते वक्त बताए थे, ठीक है। तो उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, लक का नंबर है, बैलेंसिंग का नंबर है, ग्रोथ का नंबर है, ठीक है, बिजनेस का नंबर है। तो ये सारे ट्रेड्स हो जाते हैं नंबर 5 के ऊपर एप्लीकेबल। एडवेंचर करने वाला वो व्यक्ति होगा, एडवेंचर लवर होगा, ठीक है, फ्रीडम पसंद करता होगा ऐसा व्यक्ति। तो वो सारी चीज फ्रीडम, एडवेंचर और उसका कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें उसको मोबाइल नंबर के टोटल से मिल गई। अब नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। आपके मोबाइल का नंबर जब आप निकालते हो 6 पे आ जाता है तो क्या हो जाता है? लव से भर जाते हो, आपके पास में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, आप एक क्या कहते हैं होम मेकर्स की तरह हो जाते हो, यानी कि जो व्यक्ति अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ध्यान रखता हो, उस तरह की प्रवृत्ति आपको डेवलप करा देता है फैमिली के लिए। मतलब ये नंबर 6 आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बना देता है, फैमिली का नंबर है। जैसे मैं बार बार एग्जाम्पल कोट करती हूँ कि प्रेग्नेंट लेडी की तरफ इसका शेप दिखाई देता है। लव, लग्जरी, रोमांस, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में लेके आने की कोशिश, सुख सुविधा से आपको बनाने भर देता है अगर आपके मोबाइल का जो टोटल है नंबर 6 पे आता है। अब नंबर 7 पे आता है जिन लोगों का, तो उन लोगों के साथ में क्या होता है? 7 नंबर किसको दिखाता है? केतु को। जहां केतु ने उनको स्पिरिचुअल तो बनाया, विजडम भी दी, बट क्या बना दिया? थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन वाला बना दिया। और यही वो व्यक्ति क्या हो जाते हैं, अगर उनके पास ऑलरेडी मल्टीपल 7 डेट ऑफ बर्थ में आ जाते हैं तो वो कभी कभी डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि छाया है, देखो अब आपकी छाया कितनी होती है, एक व्यक्ति की कितनी छाया हो सकती है, शैडो कितनी हो सकती है एक व्यक्ति की? सिर्फ एक। कौन है ये एक वाला? स्टेडियम में खड़े हो जाना, कभी 10 से ज्यादा दिखने लग जाएंगी। जहां जहां लाइट्स होता है, लाइट्स होती है, उतनी उतनी छाया आपकी बन जाती है, उतनी उतनी शेडोज बन जाती है। एज पर द लाइट्स आपकी शेडोज बन जा रही हैं, ठीक है, जहां जहां वो लाइट का रिफ्लेक्शन जाता है उतनी शेडोज बन जाती है। तो एक व्यक्ति की इतनी शेडो हो सकती है। तो यहाँ पर ये नंबर इनको क्या है? केतु का नंबर है, मिस्टीरियस नंबर है। तो ऐसे व्यक्ति को समझना ही मुश्किल हो जाता है। और ये लोग, इनके विचार इतनी जल्दी किसी से मिलते नहीं है, तो चैटर बॉक्स भी नहीं होते, घुमा फिरा के बातें कर लें, ऐसा वाला प्रवृत्ति नहीं होती इनकी, ठीक है। बड़े शांत जैसे, पीस लवर जैसे लोग रहते हैं, मिस्टीरियस रहते हैं, अपनी जगह पे बैठना, ज्यादा चिट चैट करना पसंद नहीं आता है, क्योंकि हमेशा लॉजिक साइंस फैक्ट की बातें करते रहते हैं, तो हर चीज के लिए प्रूफ भी मांगते रहते हैं। तो प्यार को, एकदम प्यार की भाषा समझना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और लोगों को जैसे राहु केतु छाया ग्रह है, इनको समझना मुश्किल है, तो ऐसे व्यक्ति को भी समझना मुश्किल होता है थोड़ा। तो इसी वजह से चाहे इनका रिलेशनशिप देख लो या इनके नॉर्मली भी आप देखो तो बहुत अच्छे नहीं बन पाते हैं रिलेशन, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के पास आप तीसरी बार उसके मोबाइल के टोटल में 7 नहीं डालोगे। एक तो वो भीड़ में अपने आप को खुद ही अकेलापन महसूस कर रहा है, तो आप उसको तीसरी बार 7 नहीं दोगे उसके मोबाइल में। बट ऐसा व्यक्ति जो खूब मौज में रहता है, तो उस व्यक्ति को ये स्पिरिचुअलिज्म की सोच चाहिए, उसको इंट्रोस्पेक्शन चाहिए, उसको विजडम चाहिए, तो वो नंबर 7 आप उस व्यक्ति को दे सकते हो। अब नंबर 8 जिनका मोबाइल का टोटल आता है, पावर, सक्सेस और अबेंडेंस का नंबर है, क्योंकि चाइना में इसको सक्सेसफुल लोगों का प्रोस्पैरिटी का नंबर माना गया है। बट यहाँ पे अगर इंडियन लोगों की फिलोसफी में देखेंगे तो थोड़े स्ट्रगल्स के बाद, इंडियन कल्चर में देखेंगे थोड़े स्ट्रगल्स के बाद ये चीज लोगों की लाइफ में चीजें लेके आता है। बट हाँ, ये डेफिनेटली मनी से, प्रोस्पैरिटी से, अबेंडेंस से रिलेटेड नंबर है। अब मोबाइल का टोटल आपका 9 हो गया। 9 दोनों ही रूप है, एक तरह से 9 आपके भगवान शिव का रौद्र रूप है और दूसरे तरह से आप इसे याद कर लो कि भोलेनाथ भी हैं वो। मतलब ये लोग ह्यूमैनिटेरियन भी हैं और दूसरा ये लोग क्या हैं, अपने रुद्र रूप पे आ जाए तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा भी इनमें आ जाता है, करेज तो इनमें बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड इनमें रहता है, ह्यूमैनिटेरियन है, जेंटलमैन बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए 9 को होली नंबर बोला गया है, शेल्डन न्यूमरोलॉजी में बहुत ही पावरफुल नंबर बोला गया है। तो नंबर 9 को तो इन्होंने किसी नेम के उसमें भी नहीं रखा, क्योंकि कहा है कि इसकी आदि और अंत को जानना
मुश्किल है. किसी ने कहा है कि नंबर 9 जो है अब एक ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर आ गया है. इसकी एनर्जी मतलब जो ये व्यक्ति ले रहा है उसके पास अप एंड डाउन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आके आपकी मूलांक की सीरीज 1 to 9 वाली कंप्लीट हो जाती है और फिर से आपकी क्या चलती है, मूलांक की सीरीज 1 से चलना स्टार्ट हो जाती है, जैसे हमने पर्सनल नंबर में हमने देखा था. तो ये हो गया कि यदि आपके मोबाइल के नंबर 1 to 9 तक आते हैं तो इन जनरल आपके पास कौन से ट्रेड्स आ जाते हैं. हाँ, क्वेश्चन 9 के लिए ये तो एसोसिएटेड विद कंप्लीशन एंड आल्सो कंपटीशन इज इसे? हाँ, मैं बता रही हूँ, मैंने कुछ ही लिखे हुए हैं. मैं बता रही हूँ कॉम्पिटेटिव एटीट्यूड भी देता है आपको 9 नंबर. एग्रेसिव भी. हाँ, जितने ट्रेड्स आप सब एड कर सकते हो उसपे. ठीक है, सिर्फ मैंने ये डिटेल में नहीं बनाई है क्योंकि 2-3 दिन तक हमने हर नंबर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा है बेसिक क्लासेस में. थैंक यू. अब देखो, अरे ये 11 नंबर की स्लाइड है, यही इसका हिंदी का ट्रांसलेशन है, हमने बता दिया आपको. अब देखो जनरल रूल्स और भी जनरल रूल हैं. चूज अ मोबाइल नंबर दैट इज कंपेटेबल विथ योर बर्थ नंबर एंड योर नेम नंबर. हमने ये डिस्कस कर लिया. अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी अ मोबाइल नंबर दैट इज हार्मनी विथ योर नंबर्स कैन ब्रिंग गुड लक. ये भी हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है, फॉर क्यों हम अपने नेम, अपनी MBD यानी कि अपनी मूलांक, भाग्यांक और डेस्टिनी के हिसाब से अपना नंबर ले रहे हैं, सिंक्रनाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो हम चाहते हैं हमारी लाइफ में गुड न्यूज आए उस मोबाइल नंबर से, अच्छे इवेंट्स हो, गुड लक आए, गुड नेम फेम हमारे पास आए, प्रोस्पेरिटी आए, जैसे सीमा जी ने कहा पैसा भी चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे भाग्यांक नहीं लिखा भाई. भाग्यांक लिख लो भाग. मूलांक कहाँ पे लिखा है यहाँ पे? बर्थ नंबर तो मूलांक है. हाँ, अब लिख लो इसे, अब इसे एड कर लो. ठीक है, इन जनरल आप ऐड कर सकते हो इसे, आप इसे लिख लो. ठीक है, इफ योर बर्थ नंबर इज 6 एंड योर नेम नंबर इज 8, ठीक है, अ मोबाइल नंबर दैट टोटल 6 or 8 वुड बी लकी फॉर यू. यहाँ पे इन जनरल आपको ये समझाना चाह रहा है कि अगर आपका, जैसे हमने ये फॉर्मूला किया था जॉन के, उसमें जॉन के पास 5 or 6 की चॉइस थी, तो इस व्यक्ति के पास कौन सी चॉइस आ गई है? बर्थ नंबर 6 आ गया है, नेम नंबर 8 आ गया है. तो ये कह रहा है कि या तो आप अपने मोबाइल का टोटल 6 पे कर लो या अपने मोबाइल का टोटल 8 पे कर लो. तो आप अपने मोबाइल के टोटल को अपने MBD के ऊपर कर सकते हो, यानी कि अपने मूलांक के ऊपर रख सकते हो, अपने भाग्यांक के ऊपर रख सकते हो और अपने डेस्टिनी नंबर के ऊपर रख सकते हो. दैट इज इन जनरल रूल. ठीक, तो आप ऐसे भी कीजिए, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा. कंसिडर द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच नंबर. यहाँ पे ये कह रहा है कि हर नंबर की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है. नंबर 1 इज कंसिडर अ स्ट्रॉन्ग नंबर दैट स्पीक्स अबाउट पावर सक्सेस. ठीक है, नंबर 2 की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, आर्ट, म्यूजिक, रोमांस. ठीक है, आपका पेशेंस, दूसरों से इंपथी दिखाना, इन सारे नंबर्स. तो इन नंबर्स को जब भी आप दे रहे होते हो, 6 को देते हो, 1 को देते हो, 2 को देते हो, तो थोड़ा समझ के दो कि ये नंबर्स मैं इसको दे रहा हूं तो ये पार्ट इसकी लाइफ में मिसिंग है, लोशो ग्रिड में मिसिंग है, या इसके जीवन में ये पार्ट मिसिंग है, तो ही मैं उसको वो नंबर असाइन करूं. ठीक है, क्लियर हो गया ये जनरल रूल्स. अगले जनरल रूल्स की तरफ बढ़ते हैं. कीप इन माइंड इफ द लास्ट 3 or 2 डिजिट ऑफ मोबाइल नंबर इज, देखो अभी जैसे विक्रम जी ने बोला था, आलख्या ने बोला था कि नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, विक्रम जी ने कहा था कि 3 नंबर्स तो रिपीटेशन में चले जाते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि लास्ट वाले जो नंबर्स हैं वो आपकी लाइफ में, आपके मोबाइल नंबर के जो लास्ट डिजिट हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कीप इन माइंड इफ द लास्ट 3 or 2 डिजिट ऑफ द मोबाइल नंबर इज 11, 55, 66 और 111, 555, 666, देन इट बी अ वेरी 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 लक्की नंबर्स. अब इसके ऊपर मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी दिया था कि आपको देख के देखना है, लोशो ग्रिड में ऑलरेडी भरे हुए हैं तो आपने मास्टर्स नंबर हैं करके, बहुत ऑस्पिशियस हैं करके डाल नहीं देने. 555, 666 ये जो नंबर्स का पैटर्न है, रिपीटेड नंबर्स हैं, एंजल नंबर समझ के आपने डाल नहीं देने हैं. ठीक, क्लियर हुआ. मोबाइल नंबर शुड नॉट एंड विद अ 0. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोबाइल नंबर 0 से एंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंडिंग का नंबर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. मोबाइल नंबर में ना तो जरूरत से ज्यादा 0, ना तो कोई 0 नहीं भी रखो, बहुत अच्छी बात है. मोबाइल नंबर में ज्यादा 0 ना रखो, अगर रखने पड़े एक या दो जीरो रखो, आई विल सजेस्ट, बट उस 0 को उठा के मोबाइल नंबर के एंड में मत रख दो.
तो कितने लोग हैं जिन्होंने एंड पे जीरो रखा है? कोई भी नहीं जिसने एंड पे जीरो रखा मेरे, है अवॉइड मेरे मम्मी का है, मेरे मम्मी के नंबर में है ना एंड में जीरो, तो एंड में जीरो मत रखो, कुछ भी नहीं मिलना उनको। 248 क्या होता है, 248 के जो ये नंबर्स हैं इन जनरल, ठीक है, कुछ लोगों ने 2 को भी अवॉइड करने के लिए बोला हुआ है कि ये 2 का नंबर भी जो है ना इमोशनल सेटबैक दे देता है करके लाइफ में। 2 के नंबर को भी इन्होंने मून से लिंक करके बोला है कि जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है तो ये नंबर मूड स्विंग्स लेके आ जाता है लाइफ में, बट इन जनरल 2 को बहुत ज्यादा अवॉइड हम लोग नहीं करेंगे। और बहुत ऑस्पिशियस नंबर 356 के नंबर आते हैं, उनको आप इन जनरल लोगों को दे सकते हो, बट किसी व्यक्ति का मूलांक और भाग्यांक नंबर 2 पे आ जाता है तो उस व्यक्ति को आप एक नंबर 2 देके कुछ भी गुनाह नहीं करो, उसको ये नंबर दे सकते हो। उसका अगर उसका एमबीडी में आता है तो आप उसको 2 का नंबर सजेस्ट कर सकते हो, बट कुछ लोग इसे नंबर 2 को भी कहते हैं कि अवॉइड करो। और जनरल रूल्स क्या है, चूज ए मोबाइल नंबर दैट इज कंपेटेबल विथ योर बर्थ नंबर एंड नेम नंबर, डिस्कस कर लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी अ मोबाइल नंबर दैट इज हार्मनी विथ योर नेम नंबर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। फॉर एग्जाम्पल इफ योर बर्थ नंबर, ये सेम ही स्लाइड मैंने शायद यहाँ पे कॉपी पेस्ट करी है। चलो अब नीचे आगे बढ़ते हैं, अब मेन रूल्स इंपॉर्टेंट रूल्स की बात आज करें या कल करें? मैं सोच रही हूँ आपको मेन रूल्स अभी पढ़ा दूं या कल करेंगे इन मेन रूल्स को। कंटिन्यू मैम बिकॉज आई डोंट हैव क्लास। अरे वाह बड़ी अच्छी बात है। चूज अ कंपैटिबल नंबर, अब हम यहाँ पे ये आपके लिए एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेन रूल्स हैं, इनका ध्यान आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, क्या करना है आपने, चूज अ कंपैटिबल नंबर। इन न्यूमरोलॉजी सर्टेन नंबर्स आर कंसिडर लकी और हार्मोनियस, अच्छे नंबर्स। कौन से नंबर्स हमने कहा, 3 मोबाइल का टोटल आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो मैं इनको रख लूंगी। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में हम दे देंगे 1-9 को, ठीक है। फॉर एग्जांपल द नंबर 6 इज एसोसिएटेड विद लव हार्मनी फैमिली एंड इज कंसिडर लकी फॉर मोबाइल नंबर्स। तो हमने यहाँ पे बात करी है कि कुछ नंबर जो अच्छे नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को लाने की कोशिश कीजिए। यदि किसी व्यक्ति के फ्रेंडली नंबर्स 4 और 6 हैं तो रेदर देन गिविंग 4 बेटर है आप उसको 6 दे दीजिए इन जनरल, क्योंकि 6 की जो क्वालिटीज है, 6 की जो अच्छे ट्रेट्स हैं वो उस व्यक्ति के पास आ जाएं। यू कैन ऑल्सो चेक द कंपैटिबिलिटी ऑफ योर मोबाइल नंबर विथ योर डेट ऑफ बर्थ एंड नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी हो गया, डेट ऑफ बर्थ में दोनों ही चीजें आ जाती है, मूलांक और भाग्यांक और आपका नेम, एमबीडी का फॉर्मूला। ये मैंडेटरी आपने चेक करना है किसी को भी मोबाइल नंबर दे रहे हो के, और देने के बाद आपने ये भी देखना है कि ये इन जनरल एक अच्छा नंबर है या नहीं है। स्पेसिफिक गाइडलाइन फॉर सेलेक्टिंग अ लकी मोबाइल नंबर, दीज गाइडलाइंस में इंक्लूड अवॉइडिंग नंबर दैट एंड विद अ जीरो। एक जनरल गाइडलाइन है जो बहुत सारे लोगों को पता है कि मोबाइल नंबर के एंड पे जीरो नहीं लिखते हैं, हैविंग अ लेसर जीरो वो नंबर्स बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेरियस नंबर हो जाता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी को लेके आने वाला नंबर्स हो जाता है। तो अपने मोबाइल के नंबर में जीरो कम से कम रखेंगे और एंड में तो जीरो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। अवॉइड मोर 478, चाइना में दे रहे हो तो दे दो 8, बट चाइना वालों को 4 नहीं दोगे, जापान में दे रहे हो 7 दे दो 7, बट ज्यादा आप उनको दूसरे नंबर्स नहीं दोगे। नंबर शेयर्ड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल हैव लीस्ट इंपैक्ट, अब ये चीज को मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहले देखो, पहलों के घरों में एक ज्वाइंट फैमिली में एक नंबर लगा देते थे ना, वो बचता रहता था, वो किसी का नंबर नहीं होता था, सबका नंबर होता था। आज ऑफिस में आपके डिपार्टमेंट को एक नंबर अलॉट किया होगा, ठीक है, तो वो नंबर का नंबर से सब लोग फोन उठा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो अब ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, बट वो क्या हो गया है, जो उसके पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेड्स बने, जो लाइफ में अच्छे बुरे इवेंट आने हैं, अच्छी न्यूज आनी है लाइफ में, बुरी न्यूज आनी है, ठीक है, वो सारी क्या हो गई है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। सपोज विक्रम जी आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं एग्जांपल, तो वो टीम लीडर है, तो उनकी टीम के लिए उनको उनके डिपार्टमेंट में कोई व्यक्ति कॉल करेगा तो उनको एक नंबर अलॉट होगा, तो उसकी वाइब्रेशन का भी असर पड़ता है, बट ज्यादा असर नहीं पड़ता है, लीस्ट इम्पैक्ट होगा उसका, क्योंकि वो सब में बढ़ गया है, वो किसी इंडिविजुअल का नंबर नहीं रहा है। वैसे ही हम अपने घरों में आजकल एक नंबर लगा देते हैं, ठीक है, फिर वो नंबर को कोई उठाता है, फिर वो उठा के उस व्यक्ति को बुलाता है, लैंडलाइन
लैंडलाइन वाले जितना भी कॉन्सेप्ट हो गया है। अब यहाँ पे मेन रूल्स की बात करते हैं तो देखो हमने 13 के बारे में पूरी कहानी करी है कि अवॉइड करना है, कार्मिक नंबर है, 16 की का कहानी भी करी है, ज्यादा लव रिलेशन में पड़ जाएगा व्यक्ति एडिक्टेड हो जाएगा, अवॉइड करना है, मेन रूल्स हो गए। अब एक बड़ा सा एग्जाम्पल, ये जो टेबल है सब लोग देख लीजिए इस टेबल, इसी टेबल को हम फॉलो करेंगे अपनी मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। अब एक एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का जन्म 10/11/1992 को हुआ है, इस तारीख को जन्मे हुए व्यक्ति के लिए हम निकालने जा रहे हैं उसका लकी मोबाइल नंबर। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस एग्जाम्पल से। आपने क्या करना है, सबसे पहले उसका मूलांक निकालना है, मूलांक उसका बर्थ नंबर, वो व्यक्ति का जन्म कौन सी डेट को हुआ है, 10, तो मूलांक क्या हो गया, 1+0=1 हो गया। अब उस व्यक्ति का क्या निकालेंगे हम, लाइफ पाथ नंबर निकालेंगे। लाइफ पाथ नंबर क्या होता है, सारी जो डेट ऑफ बर्थ है उनकी डिजिट का टोटल करेंगे, तो डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स का टोटल करके क्या आ गया है, 6 आ गया है। तो अब इस व्यक्ति के पास क्या कॉम्बिनेशन आ गए, अभी हम नेम नंबर के ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से नंबर मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो इस व्यक्ति के पास मूलांक 1 आ गया और डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके लाइफ पाथ उसका भाग्यांक 6 आ गया। अब उसके लिए गुड कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं, इस टेबल को रिफर करेंगे। अब इस व्यक्ति का मूलांक और भाग्यांक क्या है, 1 और 6 है। 1 के गुड कॉम्बिनेशन मतलब उस व्यक्ति को हम कौन सा मोबाइल नंबर दे सकते हैं, 3 का 5 का 9 का मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल का टोटल 359 पे आए दे सकते हैं। और 6 क्या कहता है उसका भाग्यांक की 3, 5, 6, 9 भी उसको दे सकते हैं। तो आप मेरे पास दो चॉइस है, उस व्यक्ति का मूलांक 1 भाग्यांक 6 के हिसाब से मेरे पास दो चॉइस आ गई है कि उस व्यक्ति को मैं 3, 5, दो चॉइस नहीं, मेरे पास 3 भी दे सकती हूँ, 5 भी दे सकती हूँ, 9 भी दे सकती हूँ और मैं उस व्यक्ति को 6 भी दे सकती हूँ। तो इस व्यक्ति के लिए कौन से नंबर अच्छे हो गए, 1, 3, 5, 6 और 9, तो कौन सा नंबर उस व्यक्ति को दोगे। सपोज या क्लाइंट आपके पास आया जिसकी डेट ऑफ बर्थ 10/11/1992 है, आपने उसका लकी नंबर कैलकुलेट करना है, लकी नंबर के लिए आपने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से उसको लकी नंबर देना है, तो आपने उसका मूलांक निकाला जो आया 1 पे, भाग्यांक निकाला जो आया 6 पे, अभी 1 और 6 का कॉम्बिनेशन बन गया है और इसके लिए आपने टेबल रेफर करी, टेबल में जो भी 1 के लकी नंबर थे वो, जो भी 6 के लकी नंबर थे वो आपने पिक कर लिए और यहाँ पे इतने कॉम्बिनेशंस बन गए हैं कि मैं इस व्यक्ति के मोबाइल के टोटल को या तो 1 पे रख दूं, या 3 पे रख दूं, या 5 पे रख दूं, या 6 पे रख दूं, या मैं 9 पे रख दूं। अब एक एक से मैं पूछूंगी, सीमा जी आप बताएं कि आप क्या नंबर दोगे। ये पिन ड्रॉप साइलेंस क्यों है, आप लोग क्लास में है ना मैम, हियर डेस्टिनी नेम इज नॉट कंसीडर्ड डेस्टिनी नंबर, भाई मैंने वही बोला है कि डेस्टिनी नंबर नहीं ले रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से दीजिए। तो 1 और 6 में नहीं, जिसका नाम लिया गया है, प्लीज ये मैं टेस्ट ले रही हूँ, जिसका नाम लिया गया है, मैं 2-3 बार इसीलिए रिपीट किया। विक्रम जी आपका हाथ खड़ा हुआ था, आपको कुछ पूछना है तो मेरे टेस्ट के बाद पूछिएगा। नहीं नहीं नहीं, इन केस जस्ट इफ सीमा जी वाज नॉट आंसरिंग, आई वाज लाइक आई वांटेड टू आंसर। हां सीमा जी व्हाट, अच्छा ओके, सीमा जी आप कहां हैं मैम, ऑन द वे, कांट स्पीक, कांट स्पीक बट लिसन, कैन यू कैन लिसन ना, आप बताओ इतने सारे नंबर्स हैं इसके पास, कौन से नंबर दे दोगे इसे। मैम रास्ते में हूं। ओके ठीक है, चलिए बताइए कौन से नंबर देंगे अब। जीएस राव सर आप बताइए। आई थिंक 3 मैडम। ओके जीएस राव सर ने दिया 3। करुणा बताइए। मैम ओनली 1 नंबर टू सेलेक्ट, ओनली 1 नंबर टू सेलेक्ट, यस बिकॉज इट हैज 359 इन कॉमन, सो आई एम आस्किंग। हाँ आप एक नंबर दीजिए उसे। 9 दे सकते हैं। 9 दे सकते हैं। अलख्या आप बताइए, पता नहीं क्या स्पेलिंग लिखी है मैंने, ALEKHYA। ओके एक्चुअली 359 में से कुछ भी दे सकते हैं बट अगर इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, अगर वो चाहता क्या है उससे हम कर सकते हैं मैम।
मैम लो शुक्रिट नहीं देखना है? लो शुक्रिट भी देखना है एक्चुअली. आप चूज करो, आप सब देख लो, उसका डेट ऑफ बर्थ है ना आपके पास. एक सेकंड, एक मिनट दोगे तो मैं लो शुक्रिट कैलकुलेट करके मैं बोलती हूँ मैम, प्लीज. हाँ बोलो. डेट ऑफ बर्थ एक बार दिखा दीजिए मैम. डेट ऑफ बर्थ मैम मैं ट्राई करूँ. आप, आपका नंबर आ रहा है, आपका नंबर आ रहा है. डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए ना मैम. अरे गॉट इट मैम, नाउ आई गॉट द स्क्रीन नाउ. 10/11/1992 को एक व्यक्ति बॉर्न हुआ है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसको नंबर देने हैं. तो नहीं नहीं देना मैम, ऑलरेडी 2 9s आर देयर, सो 3 and 5 वी कैन गिव. मैम उसके चार्ट में 3 और 5 मिसिंग है. यस, सो मे बी 3 और 5 में से एक नंबर 5 उसको बैलेंस कर सकता है. 5 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर इन लो शुगरेट, तो मुझे लगता है 5. ओके, 3 and 5 हमने किसी के लिए दो ऑप्शन छोड़े नहीं है, तो 5 हमने लिख दिया फाइनली. हाँ विक्रम जी आप बोलिए. जी पहले चीज, इसका डेट ऑफ बर्थ आई मीन इसका एज 35 के नीचे है, सो प्रायोरिटी इज मूलांक. तो मूलांक अगर एक लेते हैं तो 359 आता है उसका फ्रेंडली नंबर्स. अभी 359 में या 9 को सॉरी 359 में आई वुड प्रिफर 3 बिकॉज इन मिडल ऑफ द डिस्कशन टुडे यू टोल्ड 1 and 5 यूजुअली इट्स नॉट गेटिंग गुड. वो तो मतलब सो या इनफैक्ट खराब ही है, तो इसलिए एंड 1 and 3 इनफैक्ट दे आर वेरी कंपैटिबल फ्रेंडली नंबर्स है सन एंड जुपिटर अगर लेते हैं, तो आई वुड गो विथ 1 and 3. आई मीन फॉर 1 आई वुड गो विथ 3 एक्चुअली. ओके मैम चेंज इट टू 3 or 5 फॉर मी, नॉट 9 बिकॉज इट्स देयर इन 9. बड़ा ही दुख हुआ है मुझे, बहुत ज्यादा दुख हुआ कि सब फेल हो गए हैं. मैम पहली क्लास थी, फेल हो गई कोई बात नहीं. 9 निकालिए मैम, 9 निकालिए. आई शुडंट, सब फेल है सबके आगे. मैं बड़ा बड़ा अंडा करके यहाँ पे ये फेल करके लिखती हूँ, ठीक है. ये सब टेस्ट में फेल हो गए हैं, किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सबने मेरी नाक कटा दी है. बच्चों के लिए मैं ये कि बच्चे को समझ में आया नहीं ऐसे पढ़ाती हूँ आपको. चेंज किया डिसीजन मैंने, 9 को निकालिए प्लीज. टिक करके पेपर देने के बाद अभी नहीं सबमिट किया. चलो सोच के समझ के सबमिट करो, ये असाइनमेंट रहेगा आपके लिए. मैम थोड़ा सा हिंट दीजिए मैम प्लीज. कोई हिंट नहीं दूंगी मैं, हिंट ऑलरेडी दे चुकी हूँ. मुझे लगा विक्रम जी ने पकड़ लिया, मैं इतनी खुश हो गई, बट उन्होंने कंक्लूजन गलत नंबर से कर दिया. हिंट यही है, चलो अब जो समझदार होगा वो समझ गया होगा. अलग ही असाइनमेंट में प्लीज प्लीज ध्यान रखना, आप मिस मत करना. बड़ा बड़ा 13 का करना है, ठीक है. 13 ये लोग करेंगे कार्मिक नंबर्स का. अब मैं कार्मिक नंबर 13 नहीं देती हूँ ना, कार्मिक नंबर 14 निकालेंगे ये लोग, ठीक है. जो मैंने पढ़ाया उसके बाद में कुछ अलग से निकाल के लेके आएंगे. 5 पॉइंट सबको कार्मिक नंबर के ऊपर लिखने हैं, 14 के ऊपर